चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में रविवार देर रात एक व्यक्ति ने खूब आतंक मचाया। सेक्टर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मशहूर नुक्कड़ ढाबे में तलवार लहराते हुए एक युवक पहुंचा और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं उसने काउंटर पर बैठे व्यक्ति पर हमला कर उसका कान तलवार से काट दिया। यही नहीं, व्यक्ति ने उसके बाद ढाबे के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़े और मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक दो युवक खुले में ढाबे के पास शराब पी रहे थे, जिसके बाद उन्हें ऐसा करने से रोका गया। इस पर उन्होंने बहस शुरू कर दी, फिर वहां से चले गए। लेकिन देर रात लगभग 11:45 पर उनमें से एक युवक तलवार लेकर आया और ढाबे में तोड़फोड़ की और ढाबा मालिक के रिश्तेदार का तलवार से कान काट दिया। नुक्कड़ ढाबा के ओनर पंकज ने बताया कि होटल के अंदर तलवारों से हमला किया गया और बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़े गए। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर सेक्टर 22 के चौकी इंचार्ज और जांच अधिकारी रामगोपाल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच होगी और शिकायत के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।